तो दोस्तों, आज फरवरी की 26 तारीख है और हम बात करने वाले हैं गर्मी के बेहद ही खूबसूरत प्लांट बोगनविलिया की। आप देख रहे हैं मेरे इन बोगनविलिया प्लांट पर फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी आई हुई है। अगर आपके बोगनविलिया पे अभी भी फ्लावरिंग नहीं आई है तो पहला काम आप फरवरी में रिपॉटिंग का कर दें, और अगर आपने बरसात में पहले रिपॉटिंग किया था तो इसकी प्रूनिंग और कटिंग कर दें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने बोगनविलिया पर आप कैसे फ्लावरिंग लें। अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है और इसकी ग्रोथ रुक गई है तो क्या क्या काम करें। तो इसलिए अगर आप फूल चाहते हैं तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आप अपने बोगनविलिया के प्लांट को फुल सनलाइट में रखें। दूसरा काम आपको करना है, अगर प्लांट में नई ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इसकी प्रूनिंग और ट्रिमिंग कर दें। इस प्लांट में आप देख रहे हैं नई ग्रोथ हो रही है। अब अगर आपके प्लांट में ग्रोथ हो रही है और फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो उसके लिए आपको अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना होगा, क्योंकि बोगनविलिया का प्लांट पॉट में लगा है तो इसे स्टफ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम उन्हीं फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। ये काउ डंग कंपोस्ट है जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई है। इसकी मैं एक मुट्ठी अपने प्लांट में किनारे किनारे दे दूंगा। अब दूसरा फर्टिलाइज़र जो मैं इस प्लांट में ऐड करूंगा वो मेरे पास है, ये सरसों की खली का पाउडर। इसको मैं एक चम्मच अपने गमले में किनारे किनारे प्लांट में दे दूंगा। वैसे बोगनविलिया को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, इसे आप फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र शुरुआत में दें। तो फास्फोरस के लिए मैं इसमें DAP ऐड कर रहा हूँ। DAP गमले के हिसाब से 10-12 दाने आप पॉट में साइड में दे दें। अब अगला फर्टिलाइज़र जो इस प्लांट को देना है वह या सीड ग्रेन्यूल्स है। सीविड ग्रेन्यूल्स की थोड़ी मात्रा प्लांट में किनारे किनारे दे दें। तो दोस्तों, ये काम तब हमने किया जब फ्लावरिंग प्लांट पर नहीं हो रही थी और प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई थी। फर्टिलाइज़र देने के बाद आप वाटरिंग कर दें। अगला काम जो प्लांट पर करना है उसके लिए आप बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके अपने प्लांट की सॉइल में दे दें। 15 से 20 दिन में बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर प्लांट को दें। बोगनविलिया प्लांट के सॉइल की बात करें तो इसकी सॉइल में नमी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। वाटरिंग तभी करें जब मिट्टी एकदम ड्राई रहे। अगले फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ साथ ये सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर अपने प्लांट को दे दें। अब इन फर्टिलाइज़र को देने के बाद प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग देखिए। इस पर फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। इन सब फर्टिलाइज़र को आप 15 से 20 दिन के गैप के बाद ही अपने प्लांट को दें। जब प्लांट पर फ्लावरिंग अच्छी तरह से हो जाए तो आप फर्टिलाइज़र देना कम कर दें। इन सब फर्टिलाइज़र देने के केवल 25 दिन बाद आप प्लांट की ग्रोथ देखिए। फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी आई है। एक ही नहीं, मेरे पास जितने बोगनविलिया प्लांट हैं सबको मैंने ये फर्टिलाइज़र दिया है और सभी प्लांट पर फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी आई हुई है। बोगनविलिया के आप नए प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें रेनी सीजन में कट करके लगाएं तो कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।